दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम एक नोड जेएस ट्रांसकोडिंग ऐप बनाएंगे, जिसमें हम अपने AWS S3 पे अपलोडेड वीडियो को प्रोसेस करेंगे और उसको मल्टीपल वीडियो क्वालिटीज में 240, 360 एंड 480 इस टाइप से उसको ट्रांसकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ट्रांसकोडिंग वर्क कैसे करती है, इसमें हम HLS ट्रांसकोडिंग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्ले कर लेंगे NPM init। HLS स्ट्रीमिंग करेंगे और क्या बोलते हैं उसके बाद काफ्का, अपाची काफ्का का भी यूज़ करेंगे इसके लिए। तो हमें पैकेजेस कौन कौन से लगेंगे, एक्सप्रेस रहेगा हमारा तो है, AWS STK यूज़ करेंगे क्योंकि जो वीडियो है हम AWS S3 पे है हमारी वीडियो, तो अपलोड वाला नहीं है। अपलोड वाले उन्होंने पहले वीडियो बनाया कैसे अपलोड करते हैं S3 पे, तो आज हम अपलोड वाला पार्ट नहीं देखेंगे। आज हम डायरेक्ट देखेंगे कि वीडियो अगर अपलोडेड हमारी S3 पे तो उसको गेट करके और ट्रांसकोड कैसे करते हैं। तो NPMI AWS STK कोर्स .env एक्सप्रेस FFmpeg static FFmpeg ये जो फंक्शन है ये हमारा अपाची कन्फिग के लिए यूज होगा, नहीं हाँ ये अपाची कन्फिग के लिए नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं जो हमारा जो हम वीडियो प्रोसेस करेंगे उसके लिए यूज होगा ये पैकेज। और इसी का एक सब लाइब्रेरी भी है, इसका नाम है फ्लुएंट FFM पेग, ठीक है। और उसके बाद क्या था, काफ्का JS, काफ्का JS का यूज करेंगे और नोड मॉन भी ले लेते हैं। तो अब तक ये बन रहा है, हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। तो एक फोल्डर बनाते हैं HLS नाम से, HLS, ठीक है। और एक फोल्डर बनाते हैं काफ्का के नाम से, काफ्का अपाचे काफ्का लिख लेते हैं, अपाचे काफ्का। और यहाँ पे इसको HLS रीनेम करके HLS स्ट्रीम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हो गया, अब पैकेज हमारे रेडी हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना कोडिंग पार्ट और अपना index.js फाइल बना लेते हैं, index.js, ठीक है। तो काफ्का के अंदर सबसे पहले जो फाइल होने वाली है हमारी, तो इसके अंदर जो सबसे पहली फाइल होगी इसको नाम दे देंगे हम S3 वीडियो प्रोसेस .js, ठीक है ना। एक S3 वीडियो प्रोसेस नाम से रहेगी और दूसरी फाइल बनाते हैं transcode_video.js, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस वाला फंक्शन लिखते हैं, तो इसमें इंपोर्ट करेंगे
मिनट, एक डॉट ई एन वी बना के उसमें डाल लूँगा मैं अपने पैकेजेस सारे, ठीक है ना। इम्पोर्ट डॉट ई एन बी, फ्रॉम ठीक है, ये एरर जो आ रही है ये इसकी वजह से आ रही है क्योंकि हमें यहाँ पे अपने पैकेज डॉट जेसन में, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसमें रिक्वायर नहीं इंपोर्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप मॉड्यूल, ठीक है। अब ये एरर चली गई हमारी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इम्पोर्ट ए डब्ल्यू एस फ्रॉम ए डब्ल्यू एस एस टी के, ठीक है। इम्पोर्ट फाइल सिस्टम फ्रॉम एफ एस, ये तो बिल्ट इन मॉड्यूल है, कह रहे हैं इसका नोड जेएस का, ये कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं है, पाथ भी हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है ना। पाथ आ गया, अब हम एफ एम पेग यूज करेंगे, इम्पोर्ट एफ एफ एम एफ एफ एम स्टेटिक, अगर स्टेटिक आया है तो स्टेटिक लिख लेते हैं। बोट एफ एफ एम पैग फ्लुएंट वाला आ गया, ठीक है। इसको इस्तेमाल ही कर दो, तो इसके बाद हम लिख लेंगे एफ एफ एम पेग डॉट सेट पाथ, सेट करेंगे इसका, और जो इसका स्टैटिक वाला है इसको इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद डॉट ई एन बी डॉट कन्फिग कर देंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे कॉन्स्ट एस थ्री इक्वल टू न्यू ए डब्ल्यू एस एक्सेस की आई डी, ठीक है। एक्सेस की आईडी में हम डाल देते हैं प्रोसेस डॉट ई एन बी, प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट ए डब्ल्यू एस एक्सेस ई आई डी, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सेस की आईडी हो गई, और यहाँ पे लिख देंगे सीक्रेट, सीक्रेट की आईडी, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा ए डब्ल्यू एस सीक्रेट की आईडी, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब फाइल नेम लिखेंगे
तो यहाँ पे कॉन्स्ट MP4 फाइल नेम इक्वल टू ट्रायल टू डॉट MP4 उसके बाद कॉन्स्ट बकेट नेम AWS बकेट नेम क्या है हो जाएगा प्रोसेस डॉट env डॉट AWS बकेट कॉन्स्ट HLS फोल्डर ये हो जाएगा हमारा HLS ठीक है। अब एक फंक्शन अपना बनाएंगे हम वीडियो प्रोसेस का, यहाँ पर लिखेंगे S3 वीडियो प्रोसेस, ये हमारा एसिंक फंक्शन होगा। ठीक है, तो कंसोल लगाते हुए चलते हैं जिससे हम रन करें तो पता चलता जाए सारी चीज़ें। कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग स्क्रिप्ट और कंसोल डॉट टाइम, तो यहाँ पर लिख देंगे स्टार्ट टाइम। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल डॉट लॉग डाउनलोडिंग S3 MP4 फाइल लोकली, जो वीडियो हमारी अपलोडेड है उसको पहले डाउनलोड करेंगे। कॉन्स्ट MP4 फाइल पाथ ऊपर वाला नेम था फाइल नेम, इसको लिखेंगे फाइल पाथ और ये हमारा कंकेटिनेट कर देंगे इसको डॉलर MP4 फाइल नेम से। ठीक है ना, ये डन। कॉन्स्ट राइट स्ट्रीम फाइल सिस्टम डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम लोकल डॉट MP4, जो हमारा लोकल वीडियो है इसको लोकल डॉट MP4 कर देते हैं। ठीक है ना, उसे लास्ट एक हमने वीडियो बनाया था वीडियो स्ट्रीमिंग का, फाइल स्ट्रीमिंग का, उसमें हमने ये सेम फंक्शन यूज किया था क्रिएट रीड स्ट्रीम का, जिसमें हमने फाइल रीड की थी पूरा चंक में, तो वही वही सेम प्रॉमिस इसमें भी बनाएंगे। तो क्रिएट कॉन्स्ट रीड स्ट्रीम रीड स्ट्रीम डॉट S3 डॉट गेट ऑब्जेक्ट सॉरी, इसमें बकेट नेम चला जाएगा हमारा कामा की MP4 फाइल पाथ।
डॉट क्रिएट क्रिएट रीड स्ट्रीम, कोई थोड़ा छोटा कर दो तो पूरा दिखेगा, ठीक है ना। क्रिएट रीड स्ट्रीम, ठीक है, इसका स्पेलिंग सही है ना, एन है यहाँ पे। क्रिएट रीड स्ट्रीम, ये हो गया फंक्शन हमारा। अब रीड स्ट्रीम डॉट पाइप, राइट स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक प्रॉमिस बनाएंगे, कंट्रोल जेड। अब एट न्यू प्रॉमिस, प्रॉमिस के अंदर हमारा क्या जाएगा, रिजॉल्व एंड रिएक्ट। रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, राइट स्ट्रीम ऑन फिनिश, अगर जब ये फिनिश होगी तो इसको रिजॉल्व करेंगे, अगर राइट स्ट्रीम में कोई एरर आती है तो रिजेक्ट करेंगे। राइट स्ट्रीम ऑन एरर, एरर आई तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। जब हमारा ये हो जाएगा तो उसके बाद हमें कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग डाउनलोडेड S3 MP4 फाइल लोकली, ये हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। अब रिजोल्यूशंस बनाएंगे हम, कौन कौन सा हमें चाहिए वीडियो का रिजोल्यूशन जो है। तो वीडियो का रिजोल्यूशन कॉन्स्ट रिजोल्यूशंस एक एरे लेते हैं, ठीक है, इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए चलेंगे, इसमें रेजोल्यूशन में क्या आएगा, पहले तो 320x180 करते हैं। वीडियो बिटरेट क्या होगा, फाइव हंड्रेड के रख लेते हैं, ठीक है ना। और ऑडियो बिटरेट सिक्सटी फोर के, ऐसे ही हमारे तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है ना, एक दो तीन, ठीक है, जिसमें दूसरा हमारा क्या रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 854 x 480, ठीक है। और तीसरा क्या रहेगा,
1280 इंटू 720, और 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 128K, और ये हो जाएगा 2500K, और ये हो जाएगा 192K। ठीक है, वन नाइन्टी 2000। ठीक है ना, तो अब हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे और उसके बाद एक फॉर लूप में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कन्वर्जन पे चले, इस कन्वर्जन स्टार्टिंग यहाँ से पूरा मेन चीज़ चालू होगी अब। ठीक है, तुम्हारा एरे फिनिश हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट वेरिएंट प्ले प्लेलिस्ट इक्वल टू एम्प्टी एरे बनाते हैं, उसके बाद एक फॉर लूप बनाएंगे। ठीक है, फॉर लूप ये वाला नहीं बनेगा, हमारा दूसरे टाइप का बनेगा। रिजोल्यूशन कॉमा वीडियो बिटरेट कॉमा ऑडियो बिटरेट। ठीक है ना, ऑफ रिजोल्यूशंस। ठीक है ना, इस अरे को घुमाएंगे। वर्ड कंट्रोल डॉट लॉग स्टार्टिंग फॉर डॉलर रिजोल्यूशन। ठीक है, कॉन्स्ट आउटपुट आउटपुट फाइल नेम, आउटपुट फाइल नेम इक्वल टू हो जाएगा हमारा MP4 फाइल नेम डॉट डॉट रिप्लेस डॉट कॉमा सॉरी डॉट को कॉमा से कर देंगे, और यहाँ पे बेसिकली जो हमारा MP4 वीडियो है उसको हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे M3U8 फाइल में। ठीक है, तो डॉलर रेजोल्यूशन डॉट M3U8। ठीक है, ये हो गया एक हमारा आउटपुट, और आउटपुट फाइल नेम हो गया। ठीक है ना, अब एक हम सेगमेंट बनाएंगे, कॉन्स्ट सेगमेंट फाइल नेम। तो यही कॉपी कर लेंगे फिर से। ठीक है ना, MP4 फाइल नेम डॉट रिप्लेस डॉट को अंडरस्कोर से करेंगे, और रिजोल्यूशन डॉट
इसको M3U8 की यहाँ एक TS फाइल में, TS फाइल मतलब ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर सर्विस है उसको मान सकते हैं, मतलब TS से ट्रांसपोर्टर सर्विस, ठीक है ना। तो ये जो TS फाइल बनेगी इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम रखते हैं अंडरस्कोर M%03D.ts। वही डॉट टी एस फाइल से सबको लगता है टाइप स्क्रिप्ट फाइल, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट नहीं है ये, इसको मान सकते हैं ट्रांसपोर्टर सर्विस मान लो, आसान रहेगा समझने के लिए ट्रांसपोर्टर सर्विस, ठीक है। तो एक सेगमेंट में हम वीडियो को सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, तो इसे आप भी यूट्यूब में देखते होंगे कि हम अपना वीडियो अगर पॉज कर देते हैं तो उतना सेगमेंट लोड होता रहता है, एक एक सेगमेंट वाइज वीडियो लोड होती है। नहीं तो पहले क्या होता है ना, अगर हमें वीडियो दिखानी होती है कि ठीक है ना, तो पहले हमें वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके तब उसको दिखा पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें वीडियो को डाउनलोड नहीं करते हैं, मतलब वो आपको लगता है कि डाउनलोड हुई है लेकिन डाउनलोड नहीं होती है, वो बस एक फेच होती रहती है सर्वर से, और एक सेगमेंट वाइज सेगमेंट वो फेच होकर दिखाते रहते हैं। जैसे हमारी वीडियो लोड हो जाती है जब, तो इंटरनेट अगर हम बंद भी कर देते हैं यूट्यूब में, तो जितना हमारा वाइट स्पेस वाला पार्ट लोड हुआ रहता है उतने तक हमारा चल जाता है बिना इंटरनेट के भी, तो उतना सेगमेंट लोड हो चुका होता है इसलिए, ठीक है ना। तो जैसे अपने हमारे स्लो इंटरनेट में भी हम 144 पे चला लेते हैं वीडियो को, या 240 पे भी, ठीक है ना। तो यही सेगमेंट लोड होता है फाइल का यूट्यूब में। तो YouTube की तरह अगर हमें कोई ऐप बनाना है जिसमें हमारी वीडियो को क्या बोलते हैं डाउनलोड ना करके, अगर हम डाउनलोड करेंगे तो हमारी ऐप लोड पड़ेगा, तो अगर हमें इस तरीके कोई एप्लीकेशन बनाना है जिसमें वीडियो अपलोड होके चलानी है हमें, तो अच्छा है कि हम वीडियो को इस तरीके अपलोड करें और उसको ट्रांसकोड करके प्ले कहते हैं उसका URL बना के, और M3U8 URL को प्ले कराएं अपने उसमें ऐप में, तो ये हमारा अच्छा तरीका रहेगा। तो आगे चलते हैं, TS फाइल न्यू प्रॉमिस, यहाँ पर भी एक प्रॉमिस बनेगी और यहाँ पर भी रिजॉल्व रिजेक्ट होगा, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, FMPEG .local.mp4 .output options। आउटपुट ऑप्शंस बनाते हैं, नहीं नहीं अरे रह गए, ठीक है ना। -c b और H264, ठीक है, कॉमा। अब एक बनाएंगे B-B-B, मतलब कॉलन B, और हमारा जो वीडियो बिट्रेट है, एक मिनट ये रहेगा, ये B-B वीडियो बिटरेट, ये वाला पार्ट मुझे भी यार समझ में आया नहीं था, लेकिन इसको हम बना लेते हैं, ठीक है ना। AAC मतलब मेरे तो समझ में आ रहा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो जिनको भी समझ नहीं आ रहा वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसको कमेंट सेक्शन में।
ऑडियो बिटरेट, आईफोन बीएफ, स्केल इक्वल टू रिजोल्यूशन एचएलएस ठीक है, आईवन एचएलएस अंडरस्कोर टाइम 10 लिस्ट साइज 0 स्लैश यार सेगमेंट फाइल नेम, तो सेगमेंट फाइल नेम जो हमने बनाया था वो हो गया और ये भी हो गया डन। नहीं नहीं यहाँ पर नहीं लगाएंगे डॉट आउटपुट आउटपुट में क्या आएगा एच एल एस स्लैश आउटपुट फाइल नेम ऑन एंड ऑन एरर ERR और इसको कर देंगे रिजेक्ट एरर डॉट रन कर देंगे इसको ठीक है ना। अब रन होगा और हमें आउटपुट देगा एक मिनट एक मिनट, ये हमने गलत जहाँ लिख दिया था यार, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ये आएगा यहाँ पर ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद हमारा, कॉन्स्ट वेरिएंट वेरिएंट प्लेलिस्ट इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे रिजोल्यूशन कॉमा आउटपुट फाइल नेम ठीक है। वेरिएंट प्लेलिस्ट डॉट पुश
वेरिएंट प्लेलिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे जितने वेरिएंट हमारे बनेंगे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो HLS कन्वर्जन है वो डन हो गया, HLS कन्वर्जन डन फॉर किस रिजोल्यूशन के लिए डन हुआ है, ठीक है ना, रिजोल्यूशन, ठीक है। तो हमारा ये रिजोल्यूशन वाला डन हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे कंसोल लॉक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, नेक्स्ट स्टेप है HLS मास्टर M3U8 प्लेलिस्ट जेनरेटिंग, ठीक है। लेट मास्टर प्लेलिस्ट इक्वल टू वेरिएंट्स प्लेलिस्ट डॉट मैप ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट रिजोल्यूशन कॉमा आउटपुट फाइल नेम इक्वल टू वेरिएंट प्लेलिस्ट, ठीक है ना। यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर करके इसको निकालेंगे। अब लिखेंगे कॉन्स्ट बैंड बिट इक्वल टू रिजोल्यूशन इक्वल टू थ्री टेन 20 × 180। अगर ये हुआ तो क्वेश्चन मार्क 6768 00 इतना का जाएगा, एल्स एल्स इफ अगर रिजोल्यूशन इक्वल टू 854 × 480 का आता है तो एक रहेगा 1353600 एल्स। अगर नहीं यार 3230400 इतने का जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई स्टैक ext-x stream dot inf colon band bit equal to dollar band bit कॉमा रिजोल्यूशन इक्वल टू रिजोल्यूशन -n और यहां लिख देंगे हम आउटपुट आउटपुट फाइल नेम,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा डन। यहाँ तो हो गया, ठीक है ना। डॉट जॉइन, इसको न्यू लाइन में कर देंगे, ठीक है। मास्टर प्लेलिस्ट इक्वल टू यहाँ पे हैशटैग ext थ्री हाइफन एन, प्लस मास्टर प्लेलिस्ट, ठीक है। काफ़ी बड़ा फंक्शन बन जा रहा है। अब मास्टर प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। कॉन्स्ट मास्टर प्लेलिस्ट फाइल नेम इक्वल टू डॉलर MP4 फाइल नेम डॉट रिप्लेस, जैसे पहले किया था रिप्लेस वो इस तरह उसी तरीके से करेंगे इसको भी। डॉट को रिप्लेस करेंगे कॉमा अंडरस्कोर, और इसको ये इसके बाद क्या करेंगे अंडरस्कोर मास्टर डॉट M3U8। ठीक है, अब कॉन्स्ट मास्टर प्लेलिस्ट पाथ इक्वल टू hls/ मास्टर प्लेलिस्ट फाइल नेम, ठीक है। fs.write file sync उनको वहाँ लिखेंगे मास्टर मास्टर प्लेलिस्ट पाथ कॉमा मास्टर प्लेलिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल लॉक कर देंगे कि जनरेटेड हो गया हमारा M3U8, ठीक है ना, मास्टर वाला। कंसोल डॉट लॉग HLS master M3U8 playlist generated, ठीक है। उसके बाद console dot log कर देंगे डिलीटिंग
लोकली डाउनलोडेड फाइल जो हमने डाउनलोड किया था, डाउनलोडेड S3MP4 फाइल क्या करेंगे, fs डॉट अनलिंक सिंक करेंगे लोकल डॉट MP4, लोकल डॉट MP4 हमारा लास्ट स्टेप बचा है, बस लास्ट स्टेप बचा है, कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब जो हमारा लास्ट स्टेप है अपलोड करेंगे जो हमारे सेगमेंट फाइल है, अपलोडिंग मीडिया M3U8 प्लेलिस्ट एंड TS सेगमेंट टू S3, यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट फाइल्स इक्वल टू fs डॉट रीड रीड DRI सिंक, ठीक है ना, और यहाँ पर लिखेंगे HLS फोल्डर, अब एक फॉर लूप बनाएंगे फॉर कॉन्स्ट फाइल ऑफ फाइल्स इफ नॉट फाइल डॉट स्टार्ट विथ MP4 फाइल नेम डॉट रिप्लेस डॉट कॉमा अंडरस्कोर करेंगे कंटिन्यू, मतलब इसको स्किप कर देंगे, कॉन्स्ट फाइल पाथ इक्वल टू पाथ डॉट जॉइन HLS फोल्डर कॉमा फाइल, कॉन्स्ट फाइल स्ट्रीम इक्वल टू fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, और यहाँ पर लिखेंगे फाइल पाथ, कॉन्स्ट अपलोड परम्स बकेट नेम की हो जाएगी हमारी क्या, HLS फोल्डर प्लेस डॉलर फाइल बॉडी में फाइल स्ट्रीम
कंटेंट टाइप में क्या हो जाएगा, फाइल डॉट इंट्स विथ डॉट ts वीडियो स्लैश एमपी टू टी हुआ फाइल डॉट इंट्स विथ एम थ्री यू एट स्लैश एप्लीकेशन स्लैश else null wait s3 dot upload params dot promise डॉट अनलिंक फाइल पाथ तो यहाँ पे हम कंसोल लॉक कर देंगे सक्सेस डॉट टाइम टेकन इक्वल टू तो यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट टाइम रिक्वायर टाइम यहाँ पे अगर कोई एरर आई तो कंसोल डॉट लॉग एरर में एरर डाल देंगे ठीक है अब इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हमारा फंक्शन रेडी हो गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोसेस का हमारा इतना बड़ा वीडियो बना पूरा फिर से उसको एम थ्री यू एट में कन्वर्ट करके सारी चीज़ें करने का इतना हो गया ठीक है अब आते हैं ट्रांसकोडर पे ट्रांसकोड डॉट जे एस पे आते हैं अब ठीक है ना थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो लेकिन बनाते हैं आज ठीक है 54 मिनट का हो गया ट्रांसकोडिंग का भी सेम ही है मैं कॉपी कर लेता हूँ उसके बाद क्या बोलते हैं इसको कर लेंगे फिर मैं इसको समझा लेता हूँ फिर कॉपी करने के बाद ओके दोस्तों तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हम ट्रांसकोड वाला समझा देते हैं आपको तो इसमें हमने एफएमपेग
को दोनों को इंपोर्ट किया है फाइल सिस्टम को और पब्लिक पास सेट किया है, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से। और एक रिजोल्यूशन बनाया है कन्वर्ट टू HLS स्ट्रीम में, सेम रिजोल्यूशन बनाया है, सेम MP4 फाइल हमने टेस्ट डॉट MP4 ली है और HLS स्टार्टिंग रिजोल्यूशन और फंक्शन रिजोल्यूशन आउटपुट प्लेलिस्ट और HLS मास्टर जनरेटिंग, ये सारी चीज़ें करके यहाँ से मास्टर प्लेलिस्ट जनरेटेड हो गई। तो हमारे यहाँ पे HLS में हमारा कन्वर्ट हो गया है पूरा चीज़। उसके बाद हमारा काफ्का वाला फंक्शन होता है जिसमें हम काफ्का कॉन्फ़िग लेते हैं, क्लाइंट आईडी, यूट्यूब अपलोडर और यहाँ पे एक इसका जो भी है सारी चीज़ देनी होती हैं। एक फाइल वो बनानी होती है CA.PIM, वो भी डाल देता हूँ मैं अभी, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे दो फंक्शन बनते हैं, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर होता है काफ्का के अंदर। तो हमने एक वीडियो बनाया था, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका मैं डाल दूँगा, मिल जाएगा। तो उसमें मैंने काफ्का को थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ कैसे वर्क करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर उसका। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन बने हैं और यहाँ पे कन्फिग हो गया हमारा वो एक्सपोर्ट, और इसको हम अपना बनाते हैं index.js पे, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, इम्पोर्ट पार्स फ्रॉम .env import Kafka config फ्रॉम डॉट स्लैश अपाचे काफ्का स्लैश काफ्का कॉन्फ़िग, ठीक है ना। इम्पोर्ट कन्वर्ट टू HTML फ्रॉम ट्रांसकोड वीडियो से आ गया, ठीक है ना, HLS स्ट्रीम स्लैश ट्रांसकोड वीडियो के अंदर से JS से आ गया। और उसके बाद क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट ES3 वीडियो प्रोसेस फ्रॉम वीडियो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद .env.config ओके हमारा const port हो जाएगा port इक्वल टू 9001 const app इक्वल टू express app.use course यहाँ पे allow header कॉल कर देते हैं। ओरिजिन ऑल हो गया, ठीक है ना। एप डॉट यूज प्रेस डॉट जेसन स्लैश ट्रांसकोड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है S3 वीडियो प्रोसेस इसको कॉल कर देंगे, ठीक है ना।
कन्वर्ट टू एच एल एस भी कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट टू एच एल एस, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड ट्रांसकोडिंग डन, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉन्स्ट काफ्का कन्फिग इक्वल टू न्यू काफ्का कन्फिग, काफ्का कन्फिग ट्रांसकोडिंग डन, और यहाँ पे काफ्का डॉट कंज्यूम ट्रांसकोड गॉट डेटा फ्रॉम काफ्का उसके बाद एप डॉट लिसन कंसोल डॉट लॉग, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सर्वर इज रनिंग एट HTTP कॉलन लोकल होस्ट 1000 port। एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे ही कर लेते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, क्या डर रहा है। क्या बता रहा है यार ये,
मिल क्यों नहीं रहा काफी दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो इसको फिक्स करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी Node.js और AWS लारावेल सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो कोड डिस्क्रिप्शन में है, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आप फाइंड आउट करते हैं पुश कर सकते हैं, और उसके बाद कमेंट में बता भी सकते हैं। तो आप फ्री हैं।